लोकसभा में उड़ान योजना के तहत भाषण के दौरान संध्या राय के द्वारा विश्व पर्यटन के मानचित्र पर भिंड जिले के लहार अनुभाग के ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थलों की उपेक्षा होने पर लहार अनुभाग के बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। लहार अनुभाग में सदियों पुराना वीर मलखान के द्वारा स्थापित रण कौशला मंदिर और विश्व हेरिटेज में अपना स्थान प्राप्त कर चुके आलमपुर छतरी का उल्लेख न कर धार्मिक ऐतिहासिक धरोहर स्थल को विश्व मानचित्र पर अछूता रखने का आरोप क्षेत्रीय जनता के द्वारा लगाया गया है और इस संदर्भ में विश्व में भिंड की ऐतिहासिक धरोहर की पहचान को जिंदा रखने वाले वरिष्ठ समाजसेवी शिवनारायण दुबे ने विरोध करते हुए कहा कि यह बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि भिंड दतिया लोकसभा की सांसद संध्या राय को भिंड दतिया का भौगोलिक ज्ञान तक नहीं है। उन्हें ये तक नहीं पता कि विश्व में भिंड की पहचान आल्हा उदल से जानी जाती है। उनके द्वारा संसद में हमारे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों की अनदेखी कर दी गई और अपने भाषण का हिस्सा न बनाना कहीं न कहीं हमारे गौरवशाली इतिहास के गौरव को धूमिल करने जैसा है। यदि जल्द ही भिंड सांसद संध्या राय के द्वारा लोकसभा में हमारे भिंड के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की अनदेखी की गलती पर माफी नहीं मांगी जाती तो उन्हें भविष्य में हमारे क्षेत्र में आने पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसे निवेदन करूंगी कि उड़ान स्कीम के तहत इस जिले को जोड़ा जाए और धार्मिक स्थलों से कनेक्टिविटी की जाए, जिससे कि अन्य धार्मिक स्थलों से दतिया माँ पीताम्बर की नगरी को लोग दर्शन के लिए वहां आ सके। और फ्लाइटों की वहां पर अभी तो वहां कुछ नहीं है, माननीय मंत्री जानते हैं, तो वहां हवाई अड्डा खोला जाए और फ्लाइटें चालू की जाए। दूसरा जिला मेरा भिंड है। भिंड जिला कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछड़ा है। व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा जिला है। वहां पर गोहद का किला वर्ल्ड हेरिटेज में है, जो कि विश्व धरोहर में आता है। दूसरा अटेर का किला है, पर्यटन की दृष्टि से वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। चंबल सेंचुरी है, बोरेश्वर मंदिर है, बन खंडेश्वर मंदिर है, ददरुआ धाम मंदिर है, जो कि डॉक्टर हनुमान के नाम से जाना जाता है। माननीय मंत्री जी भली भांति इन स्थानों से परिचित भी हैं। सभी स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना रहता है। भिंड में ऐसी धरोहरें हैं जिन्हें देश के कोने कोने से लोगों का देखने का अवसर मिलता है। व्यापारिक दृष्टि से भी यहाँ पर लोगों का आना जाना लगातार बना रहता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इसे भी उड़ान स्कीम के तहत जोड़ा जाना चाहिए। वहाँ तो भिंड में कुछ भी नहीं है। धन्यवाद जी का, बहुत थैंक यू, आपने मौका दिया। श्रीमती संध्या राय जी, सभापति जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपने बोलने का समय दिया। भिंड सांसद द्वारा संसद में पर्यटक क्षेत्र में, पर्यटक क्षेत्रों में लहार क्षेत्र का उसमें नाम ही नहीं लिया जा रहा है, इसलिए हमारे लहार क्षेत्र का विकास रुक जाएगा। भिंड दतिया क्षेत्र की सांसद संध्या राय जी, ये आपने मेरे लहार विधानसभा के साथ ठीक नहीं किया है, क्योंकि लहार में भी पर्यटन स्थल है, जहाँ रण कौशला देवी रेकुला का मंदिर जी है और जो है इधर कौक्सी का मंदिर है, इधर आलमपुर का मंदिर है। अगर आप लोगों ने लहार विधानसभा पे नजर नहीं दी तो फिर आपके साथ फिर अच्छा नहीं होगा आगे चुनाव में। किया है कि संध्या राय ने जो लोकसभा की सदस्य हैं, लोकसभा में जो उन्होंने अपना भाषण दिया है उड़ान के संबंध में, वो उन्होंने भौगोलिक ज्ञान की कोई जानकारी भिंड दतिया की उन्हें है नहीं, क्योंकि जो भिंड जिले की जो पहचान है, आपकी धार्मिक और आपके इतिहास में जो पहचान है, वो आपके आला उदल के समय की, जिन मलखान सिंह ने हमारे अमाय के पास, दबोई के पास जो है रण कौशला देवी का निर्माण किया, माता जी का मंदिर का, और अपने होलका स्टेट, होलका बाई ने आपका होलका स्टेट में जो छतरी होलका देवी की बनी है, अहिल्या बाई की बनी है, वो उसको उनने नजरअंदाज किया है। उनने जान मिल के या तो नजरअंदाज किया है या उन्हें भौगोलिक जानकारी बिल्कुल है नहीं, ना उन्हें प्राप्त करने की कोशिश की और उन्होंने हमारे क्षेत्र को उपेक्षित रखा। इसी संध्या राय द्वारा जो संसद में बयान दिया गया है, इसमें लहार विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी की गई है, क्योंकि यहाँ लहार विधानसभा क्षेत्र में कांक्षी सरकार माँ रणकौशला देवी छत्री वाघ का नाम का उच्चारण नहीं किया गया, इसलिए पर्यटकों को यहाँ बढ़ावा देने में सफलता नहीं मिलेगी।